अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन सुल्ताना। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ चिकन स्प्रिंग रोल। खाने में इतने टेस्टी है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और बनाने में भी मैं इतना इजी आपको बता रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैंने दो साइज़ में बनाया है, एक बाइट साइज़ में और एक नॉर्मल साइज़। तो आपको जो भी साइज़ समझ में आ रहा बना सकते हैं। ऊपर से एकदम क्रिस्पी, देखिए मुँह में पानी आ रहा है, और अंदर से एकदम यमी और सॉफ्ट, आप देख सकते हैं, सेम टू सेम बाजार में मिलने वाला। देखिए देखिए, आप देख सकते हैं एकदम से क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए ये रोल्स। और इसे मैं केचप के साथ दे रही हूँ, आप चाहे तो मेयोनी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या हरी चटनी में भी। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। ये मैंने बोनलेस और विद बोन के साथ दो मिक्स करके मैंने लिया है, थाई पीसेस भी है इसमें, हाफ के जी चिकन बोन के साथ है। तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसमें मैं एक टीस्पून नमक डाल रही हूँ, और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे डालकर मैं एक गिलास पानी में इसे अच्छे से गला लूँगी। तो देखिए, मैं अभी इसे स्टोव में हाई फ्लेम पर रखती हूँ, उसके 5 मिनट के बाद मैं इसे स्लो कर दूंगी। 2 से 3 मिनट इसे लगेंगे, और लगभग ये 10 मिनट के अंदर बन जाता है। इसका जो ऊपर का जो लिड है उसे हम थोड़ा सा छोड़ देंगे, ताकि उबल कर बाहर ना आए, पूरा मत बंद करिए। तो देखिए, मैं 2 से 3 मिनट होने के बाद इसे उलट पलट लूँगी इस तरह से, ताकि चिकन हर तरफ से अच्छे से टेंडर हो जाए। चिकन को हमें टाइम नहीं लगता है गलाने में, जल्द से जल्द गल जाता है। तो अब इसका पानी थोड़ा सा कम हो चुका है, तो देखिए इस तरह से ड्राई कर लेना है, और इतनी अच्छी अरोमा आ रही है, आप ज़रूर इस तरह से बनाकर देखिए गाइस। तो चलिए हम इसके पीसेस कर लेते हैं, छोटे छोटे श्रेड कर लेते हैं इसे चिकन को। इस तरह से करना है, देखिए इतना सॉफ्ट हो चुका है। आप चाहे तो, कोई बीमार है तो आप इस तरह से बॉईल कर भी आप दे सकते हैं चिकन। ये 3 इंग्रेडिएंट्स डालिए और दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा बीमार के लिए भी। तो चलिए इस तरह से निकाल लेंगे हम सारे। तो गाइस, जिस किसी भी मेरा चैनल पसंद आना है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूले, ताकि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस, जिस किसी भी पसंद आ रहे हैं मेरे चैनल, तो प्लीज़ गुड कमेंट्स कीजिए। तो हमने श्रेड कर लिया है, और सारी सब्जियों को मैंने कद्दूकस कर लिया है, यानी ग्रेटेड कर लिया है। स्प्रिंग ऑनियन है, गाजर है, और कैबेज है, शिमला मिर्च है, ये है हाफ के जी मैदा, मैंने छन्नी कर लिया है इसे। ज़रूर आप जब भी इस्तेमाल करें, अगर फ्रेश है तो ठीक है, अगर आप 2-3 दिन अगर आपके पास रह गया है तो आप इसे छन्नी करना ज़रूरी है। इसमें छोटे छोटे कीड़े वगैरह आते हैं, उसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए, हम इसे हाफ के जी मैंने लिया है, इसमें 1/2 टीस्पून नमक ले रही हूँ, ताकि रोल हमारे फीके ना रहें और टेस्टी बने। चलिए एक वेल कर लेते हैं, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छे से गूंध लेते हैं। एक सख्त डो बनाना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं, ज़्यादा नरम भी नहीं, मीडियम। रोटी का जो हम आटा बनाते हैं उसे थोड़ा सा सख्त होना है, ताकि हमारे जो शीट्स है वो अच्छे से बने। अगर आप नरम बनाएंगे आटे को रोटी की तरह, तो शीट्स नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे आपके शीट्स। ज़्यादा पानी डालकर आप मत गूंधिए, थोड़ा सा थोड़ा कर आप एक अच्छा सा सख्त डो बनाइए, ताकि आपके शीट्स एकदम से क्रिस्पी बने। कुरकुरे बनना है आपके शीट्स, तो आपको आटे को थोड़ा सा सख्त रखना है। देखिए, ये बात का ज़्यादा ध्यान रखें, ये आप लोगों के ट्रिक है, और ये आप लोगों के लिए टिप भी है। तो देखिए इतना सख्त है, इसे ढककर हम एक 10 से 15 मिनट छोड़ते हैं बस। तो एक कढ़ाई या पैन आपके पास जो भी है, बर्तन ले लीजिए, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2-3 टेबल स्पून मैंने डाला है, और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसे हम थोड़ा सा कच्ची स्मेल जाने तक इसे फ्राई करेंगे, और इसमें हम ये प्याज डालेंगे। एक प्याज मैंने इस्तेमाल किया है मीडियम साइज़ की, खड़ी कट करना है आपको इस तरह से। इसे थोड़ा सा हम
नर्म होने तक कर लेंगे और बाकी के जो भी हमने वेजिस लिया है वो वेजिस इसमें हम इस अच्छे से इसका पानी मॉइस्चर सूखने तक इसे फ्राई करेंगे। अच्छे से सॉटे कीजिए आप, इसका मॉइस्चर पूरा चले जाए। तो देखिए मैंने इसको ग्रेटेड किया है, कैरेट को और कैबेज को, कैप्सिकम और जो है स्प्रिंग ऑनियन उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्च को भी मैंने दो हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है ताकि थोड़ा सा अच्छा सा किक मिले इसमें खाने में, तो इसके भी हम बारीक पीसेस कर लिए हैं। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, एक टीस्पून या डेढ़ टेबल वन टेबल स्पून। इसमें थोड़ा सा खटास टैंगीनेस आएगा, बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो आपको फीका फीका लगेगा। तो चलिए इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके इसमें फ्राई होने देंगे। आपको स्लो फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं, नहीं तो आपकी सब्जियां जल सकती हैं। चलिए अब इसमें हम हॉट सॉस डालेंगे, यानी ये है मैंने सोया सॉस, थिक सोया सॉस लिया है और हॉट सॉस डालूंगी मैं इसे मिक्स करने के बाद। ये है देखिए हॉट सॉस, आप चाहे तो रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं, मेरे पास यही है डाली मैंने। आपके पास अगर ये भी नहीं है तो आप ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं इसमें, उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इन सारे चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं रहना है इसमें क्योंकि आपके रोल्स अगर आप इसमें पानी छोड़ दें, अगर सब्जियां पानी वैसे ही छोड़ते रहेंगे, आप सही सब्जियों को अच्छे से सॉटे नहीं करेंगे तो आपके रोल एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये याद रखिए आपका जो भी स्टफिंग है वो एकदम ड्राई होना चाहिए। तो अब इसमें मैंने एक टीस्पून नमक डाला है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग दीजिए कम या ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये हाफ है टीस्पून, हाफ टी स्पून मैंने इसमें टर्मरिक डाला है, हल्दी और ये मिर्च मैंने हाफ टी स्पून डाला है ताकि थोड़ा सा स्पाइसी भी रहे। अब ये है काली मिर्च का पाउडर, मैंने अच्छे से बारीक इसे कूट लिया है एक टीस्पून। तो अब इसमें हम डालेंगे ये चिकन, चिकन मैंने हमने नमक और मिर्च का इस्तेमाल किया था काली मिर्च का, तो आप नमक आप समझ कर डालिए सब्जियों में, नमक और मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, आपको जितना लगता है उतना, कम या ज़्यादा आपके घर में क्या खाते हैं। अब ऊपर से हमारा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा हाथ से तोड़कर, आप चाहे तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं, इसका अरोमा बहुत अच्छा आ रहा है गाइस, आप ज़रूर इस तरह से बनाइए और ट्राई कीजिए। तो ये स्टफिंग हमारी बनकर एकदम ड्राई हो चुकी है, अब एक प्लेट में हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं और इसे ठंडा रूम टेम्परेचर पर इसे ठंडा कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप इसमें से गर्म गर्मा गर्मा एकदम से भाप निकल रही है, गर्मा गर्म इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तब तक हम इस आटे के पास चलते हैं, तो हमारा आटा भी थोड़ा सा मुलायम हुआ है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इसे भी थोड़ा सा हम एक से दो बार मसाज कर लेंगे इसका और इसके लोइयां बना लेंगे ताकि कहीं में भी इस एयर ना रहे इस तरह से। तो चलिए हम छोटे छोटे लोइयां बनाएंगे, आप जितना हो सके छोटे बनाइए और इसे पतला बेलिए, ये शीट्स अगर आप पतला बेलेंगे तो आपके रोल्स जो है एकदम से क्रिस्पी बनते हैं। तो देखिए एक गुलाब जामुन जितना होता है उतना लीजिए साइज में। तो सारे लोइयां हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं, चलिए हम इसे रोल पिन से इसे अच्छे से बेल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने खुश्क आटा भी लिया है, मैदा, अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप आटे से भी बना सकते हैं गेहूं के। तो चलिए हम मैंने बेल लिया है बस थोड़ा छोटा सा, और इसके ऊपर मैं ये ब्रश की सहायता से ऑयल अप्लाई कर रही हूँ, इसमें सारा ऑयल, इसमें ज़रा ऑयल आप अच्छा सा लगाइए ताकि आपके जो शीट्स है वो अच्छे से बने, और डस्टिंग भी आपको ज़्यादा करना है एक दूसरे को, ये इस तरह अगर आप डस्टिंग डालेंगे ज़्यादा तेल और डस्टिंग का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए शीट्स पे इस तरह से रोटियों पर, ताकि ये एक दूसरे को चिपके ना, जब हम सेकेंगे और बेलेंगे तो ये इजीली निकल कर बाहर आएंगी। तो इस तरह से हम एक एक बेल लेते जाएंगे और इस तरह से बनाएंगे। मैंने चार से पांच लिया है,
इस तरह से रोटियां, और इसके देखिए इस तरह से मैंने ज़्यादा तेल लगाया और ज़्यादा डस्टिंग किया है। ये है मेन प्रोसेस शीट्स बनाने का। ये प्रोसेस में अगर आपकी गलती हो गई तो एक तो आटा भिगाने में है, और दूसरा इस तरह से हम जो बेल रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं इसमें ऑयल और डस्टिंग, ये है मेन प्रोसेस। आपके अच्छे से शीट्स जैसा बाज़ार से बनने वाले हैं, क्रिस्पी बनने वाले हैं, तो ये प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए तो आपके डिशेस एकदम से बहुत अच्छे बनते हैं। आपके रोल्स जो है चिकन रोल्स वो बहुत अच्छे बनकर रेडी होंगे। तो मैंने 5 रोटियों को इस तरह से कर लिया है, और लास्ट जो रोटी होती है उसमें थोड़ा सा हम डस्टिंग करके इसे बेल लेंगे इस तरह से, ताकि ये एक दूसरे को चिपके ना और बेले भी अच्छे जाएँ। तो देख सकते हैं मैंने 5 रोटियां लिया, और इसे मैं अच्छे से बारीक पतला कर शीट्स बना लूँगी इस तरह से बेल कर। हर तरफ से ये बराबर बेले जाएँ, एक तरफ मोटा होगा एक तरफ पतला होगा तो वो भी शीट्स आपके अच्छे नहीं बनते हैं। आप चारों ओर इसे अच्छे से बेलिए। तो देखिए इस तरह से हमने बड़ा कर लिया है शीट्स को बनाकर। चलिए अब हम तवे पे डालेंगे इसे एकदम मीडियम से कम फ्लेम पर। देख सकते हैं आप अभी से मेरे शीट्स अलग हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको पलट लेना है और एक एक करके आपको इसे निकाल लेना है। तो देखिए कितने पतले, आपको मेरा हाथ भी नज़र आ रहा होगा, उतने पतले शीट्स है। अब इस तरह से हम एक एक करके पूरे निकाल कर उस तरह से डालते जाएंगे। देखिए इस तरह से आपको सेकना है। अगर आपके पास तवा बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे शीट्स निकाला है और इसमें डाला है। तो गाइस इस तरह से हमारे सारे शीट्स बन गए हैं। तो अब इसकी हम साइड कटिंग कर लेंगे, ताकि हमारे को जो हमने बनाया है उसका स्क्वायर शेप अच्छे से आ सके। तो ये कोने हमने कट कर लिया, और ये जो ज़ाया भी नहीं हो गए इसे भी हम फ्राई कर आपको बताएंगे। तो इस तरह से मैंने कर लिया है, पूरा चाकोल मैंने नहीं किया है। और चलिए हम बीच में से इसकी और एक शीट्स इस तरह से बना लेंगे, ताकि हमारे रोल्स अच्छे से बन जाए। देखिए ये शीट्स इस तरह से मैंने बीच में से भी काट लिया है। आप चाहे तो पूरा बड़ा भी रख सकते हैं साइज़। तो देखिए कितने सारे शीट्स बन गए हैं। अगर आप वही अगर आप डी मार्ट से जाएंगे या कोई बाज़ार से या मॉल से लेंगे तो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे। तो साइड से मैंने इस तरह से ये कटिंग कर लिया है, आउटसाइड ये भी हमने निकाल लिया, ताकि हमारे शीट्स अच्छे से फोल्ड हो। बस किनारे निकालना है इसके पतले पतले। तो देख सकते हैं आप इस तरह से हमको बीच में डालना है। और अब इसमें हम एक सैलरी बनाया है। स्लरी में मैंने थोड़ा सा आटा और पानी डालकर स्लरी बनाया है। तो इस तरह से ब्रश की मदद से हम इस तरह से करेंगे। आपके पास अगर ब्रश नहीं है तो आप कोई कपड़ा या कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चलिए इस तरह से हम फुल कर इसे बंद कर लेंगे साइड्स। और इस तरह से देखिए दो हाथों की मदद से होगा ये, एक हाथ से तो नहीं बनेगा। दो हाथ से एकदम केयरफुल सुकून, आप जितना भी पेशेंस रख के बनाएंगे आप बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए इस तरह से हम साइड्स में भी लगा देंगे, और ये एकदम से परफेक्ट हमारा रोल बनकर रेडी हो गया है, चिकन रोल। तो गाइज आप ज़रूर बनाइए इस तरह से। मैंने सारे बनाकर रख रही हूँ, बड़ा और छोटा साइज़ मैंने दो साइज़ बनाया है। तो एक कढ़ाई में हम तेल गरम करते हैं, और जो साइड्स हमने कटिंग करा था अब उसे हम फ्राई कर देखते हैं एक डालकर। तो ये अच्छे से तेल हमारा गरम हो चुका है, और हमें इसे ऊपर से ये मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे आप बना सकते हैं, क्योंकि स्टफिंग जो है हमारी ऑलरेडी वो पकी हुई है। तो रोल अच्छे से इस तरह से देखिए हमें सेकना है, और इसे उलट पलट कर सेकना है। तो देख सकते हैं आप मैंने दो दो डालकर इसमें फ्राई कर रही हूँ। अगर आपके पास कढ़ाई बड़ी है तो आप बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए कितने यमी और माउथ वाटरिंग एकदम गोल्डन फ्राई हो चुके हैं हमारे चिकन रोल, एकदम से स्प्रिंग रोल जो हमारे हैं एकदम से बाहर जैसे लग रहे हैं आपको, जैसे कि हमने बाहर खाते हैं उस तरह से ये बनकर रेडी हो गए, एकदम क्रिस्पी और इतने टेस्टी पूछिए मत। तो देखिए हमारे शीट्स के कितने पैसे बच रहे हैं, और हमें के लिए भी घर में एकदम से हम एक नहीं 4 खा सकते हैं अगर बनाएंगे। अगर हम बाहर से ख़रीद के लाएंगे तो हम 2-3 में ही हमारा बस हो जाएगा। अगर हमको पेट नहीं भरेगा, नियत भी नहीं भरेगी। अगर हम घर में बनाते हैं तो हम इसे नेक्स्ट डे भी
रख कर हम खा सकते हैं। अगर आप पूरे रोल्स बनाकर भी इसे फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आपके पास कोई भी मेहमान आया झट से आप निकालिए फ्रिज से और इसे फ्राई कर दीजिए। 2 मिनट बाहर रखिए और इसको देखिए, मिनी साइज़ भी मैंने बनाया, बाइट साइज़, तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और कोई भी मेहमान आपका चाय के साथ ही जैसे रख दीजिए तो बहुत खुश होकर खाकर आपको दुआएं देकर जाएगा। तो गाइस देखिए कितना अच्छा यमी बनकर रेडी हो गया है। तो देखिए मैंने 2 साइज़ बनाए हैं, एक मिनी साइज़ है, एक बिग साइज़ है। साइज़ आपके ऊपर है गाइस, आप छोटा या बड़ा रख सकते हैं, मैं 2 भी बना रही हूँ। आप एकदम से एक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, एकदम से सुकून से बनाइए, बराबर बनेगा। बस स्टेप बाय स्टेप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मेरे डिशेस को, और आप बनाकर खाइए, एंजॉय कीजिए आपकी फैमिली के साथ और आपके गेस्ट के साथ। इस तरह के पकवान अगर आप बनाकर आपके मेहमान को खिलाएंगी तो आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो गाइस देखिए कितने अच्छे बनकर यमी हमारे रेडी हो चुके हैं चिकन स्प्रिंग रोल। तो गाइस कैसे लगे हैं ज़रूर गुड कमेंट्स करना। चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।